नमस्कार दोस्तों, आज के समय में आधार कार्ड एक अहम ज़रूरत बन गई है। हर काम के लिए हमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या फिर नया सिम कार्ड लेना हो। समय के साथ साथ जैसे जैसे आधार कार्ड की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, इसके गलत इस्तेमाल और फ्रॉड से जुड़े मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप हमेशा अपने आधार कार्ड को लेकर चिंता में रहते हैं कि कहीं उन्हें किसी प्रकार के फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए UIDAI ने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा की शुरुआत की है और इसके बारे में UIDAI ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे लॉक कर सकते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो और ज़रूरत पड़ने पर उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर ओपन करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है एम आधार और इसे सर्च करना है और इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको ओपन करना है। अब आपको ओपन पर क्लिक करना है और सारे परमिशन को अलाउ करना है और स्क्रीन को स्वाइप करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ फिल करना है और सबमिट करना है। इसके बाद आपका एम आधार पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको माई आधार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है और आपको पासवर्ड कंफर्म करना है। इसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद उसको वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड देख सकते हैं और यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आधार कार्ड लॉक करने के लिए आधार लॉक पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड लॉक करने के लिए आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। वहीं आधार कार्ड अनलॉक करना हो तो आधार नंबर से अनलॉक नहीं होगा, यानी कि इसके लिए आपको वर्चुअल आईडी की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड लॉक करने के लिए हमें कन्फर्म करना होगा और उसके बाद लॉक आधार पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है और आए हुए OTP को फिल करना है और OTP को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड लॉक हो चुका है और यहाँ पर वर्चुअल आईडी भी जेनरेट हो चुका है और वर्चुअल आईडी SMS के माध्यम से भी मिल चुका है। तो दोस्तों, इस वर्चुअल आईडी को आपको नोट कर लेना है क्योंकि आधार कार्ड अनलॉक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, हम आधार कार्ड अनलॉक करेंगे। इसके लिए बैक टू माई आधार पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वर्चुअल आईडी हमारा शो हो रहा है और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी कॉपी करने के बाद आपको आधार लॉक पर फिर से जाना है और अनलॉक आधार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वर्चुअल आईडी इंटर करना है। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल वेरीफाई करने के बाद कैप्चा फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ फिल करना है। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है जरूरत के अनुसार आधार कार्ड लॉक और अनलॉक कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और वहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।